हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम बी एड एंट्रेंस एग्जाम के हिंदी के प्रैक्टिस सेट के बारे में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स आपने कल की हमारी ट्वेंटी टे दे सीरीज देखी होगी जिसमें हमने एक न्यू टॉपिक के बारे में डिस्कस किया था फ्रेंड्स अगर आपने कल की वो वीडियो देखी है तो ये आज का प्रैक्टिस सेट उसी पर बेस्ड है तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है ओ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है कंठ मूर्धा तालु या दंतोष्ठ है तो फ्रेंड्स कल मैंने आपको बताया था ऊ ध्वनि हमारी कौन सी ध्वनि होती है वो हमारा स्वर्ण में आता है और मैंने आपको बताया था ये स्वर्ण वर्ण होते हैं इनकी ध्वनि हमारी कंठ होती है तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है नेक्स्ट है वाक उच्चारण स्थान है दंतोष्ठ है ओष्ठ है दंत्य या फिर तालव्य तो फ्रेंड्स वहां का जो उच्चारण स्थान होता है कल मैंने आपको ये भी आपको पूरी सीरीज बताई थी का वर्ग तावर्ग, तावर्ग तो फ्रेंड्स उसमें आपने देखा होगा तो वहां पे मैंने आपको डिस्कस किया था तो अगर आपने वो पूरी सीरीज देखी हो तो आप इजीली बता सकते हैं इसका राइट आंसर है ए दंतोष्ठ है नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित से पर्स व्यंजन कौन सा है श -ह ला और छा तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी छा नेक्स्ट है का का उच्चारण स्थान है कंठ तालु मूर्धा या दंत तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पे बात करें का के उच्चारण स्थान की तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है वहां पे मैंने आपको इजिली इंडिकेट करके बताया था कि का जो होता है वो हमारा कंठ से बोला जाता है नेक्स्ट है हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या क्या है पचास बावन फिफ्टी सेवन या फिफ्टी फाइव तो राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी फिफ्टी टू व हिंदी वर्णमाला में कुल हमारे फिफ्टी टू वर्ण होते हैं नेक्स्ट है इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है वा, वा तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर बात करें अंतस्थ ध्वनि नहीं है तो वो है आपके वो ऑप्शन नंबर बी ये हमारा बा जो होता है ये हमारी अंतस्थ ध्वनि के अंदर नहीं आती है ठीक है ये हमारे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं अंतस्थ ध्वनि हमारा य र ल व कहलाता है तो यहां पे हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राइट है नेक्स्ट आते हैं इनमें से उष्म वर्ण कौन सा है ता फा, रा या शा? तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पे ऊष्म वर्ण की बात करें तो यहां पे जो आपका शा होगा वो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट है रि को वर्णमाला में स्थान दिया गया है स्वर में व्यंजन में द्विगुण स्वर में या फिर संयुक्त तो व्यंजन में तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर री की बात करें तो फ्रेंड्स री जो होता है हमारा ये हमारा स्वर में आता है तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर है फ्रेंड्स कल की अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो मैं आपसे बार बार बोल रही हूँ कि कल की एक बार देख लीजिएगा उसमें मैंने बहुत प्रिसाइस वे में आपको सारी चीजें बताई हैं वो चीज आप लर्न कर लेंगे तो आपको ये क्वेश्चंस जो हैं बहुत इजी रहेंगे निम्न में से कौन मूर्धन्य ध्वनि नहीं है ट और ढ तो फ्रेंड्स अगर हम मूर्धन्य ध्वनि की बात करें तो ढ हमारे मूर्धन्य ध्वनि नहीं है नेक्स्ट है ध्वनि का उच्चारण स्थान उच्चारण स्थान के आधार पर होता है ऑप्शन है तालव्य दंते कंठ है या फिर ओस्ट है तो फ्रेंड्स राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी दंते नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं निम्न में से कौन सही नहीं है व्यंजन है व्यंजनों का उच्चारण बिना स्वर के हो सकता है या वह अर्ध स्वर है उष्म व्यंजन है तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर बात करें तो राइट आंसर होगा बी वर्णों का जो उच्चारण है वो बिना स्वर के हो सकता है ये हमारा गलत है हम व्यंजनों का उच्चारण बिना के नहीं कर सकते नेक्स्ट है निम्न में से कौन प्रकंपित व्यंजन है चा खा रा और तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पे प्रकंपित की बात करें तो प्रकंपित व्यंजन जो है वो हमारा सिर्फ एक व्यंजन है जो कि है रा तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है नेक्स्ट है दंतोष्ठ से उच्चारित होने वाला व्यंजन है फा और वा या और रा का और चा और टा और ठा तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम बात करें दंतोष्ठ से उच्चारित होने वाले की तो वो होते हैं हमारे फा और बा नेक्स्ट आते हैं निम्न में से किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ नहीं है का खा गा और तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें कंठ की तो कंठ हमारा यहाँ पे ढा नहीं है तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है ख ये हमारा कंठ का स्थान होता है नेक्स्ट है निम्न में से कौन संयुक्त वर्ण नहीं है छ त्र श्र तो ये श्र हमारा संयुक्त व्यंजन में नहीं आता है ये हमारा स्वर में आता है नेक्स्ट है वर्ण निम्न में से कौन सही है ड ड को वर्णमाला में स्थान प्राप्त है पहला तथा तीसरा वर्ण महाप्राण होता है च छ ज झ स्पर्श संघर्षी है य र ल व वर्ण है तो फ्रेंड्स अगर यहाँ पे सही बात करें तो च छ ज झ ये हमारे स्पर्श व्यंजी है व्यंजन है जबकि अगर हम बात करें पहले तीसरे की तो ये महाप्राण नहीं होता हमारा फ्रेंड्स पहला और तीसरा अगर हम बात करें पहले और तीसरे की तो ये हमारा अल्प प्राण कहलाता है ठीक है तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी है नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में से कौन सही शब्द है परीक्षा 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 या परीक्षा तो friends, भी है परीक्षा को हम इस तरह से लिखते हैं नेक्स्ट है निम्न में से कौन सही शब्द है पुरुष 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 या फिर पुरुष तो फ्रेंड्स राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी पुरुष को हम इस वे में लिखते हैं नेक्स्ट है का प्लस ए से निर्मित रूप है का के कई को तो फ्रेंड्स अगर राइट आंसर की बात करें का प्लस ए से निर्मित तो वो तो होता है हमारा ऑप्शन नंबर बी के नेक्स्ट है प्लस से निर्मित रूप है गु गु गी या गे तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पे बात करें गा प्लस ऊ से तो यहाँ पे आपकी जो गा प्लस ऊ करेंगे तो ऊ की मात्रा बनेगी तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर है नेक्स्ट आते हैं निम्न में से कौन सत्य है स्वर का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है व्यंजन हमेशा स्वतंत्र रूप में उच्चारित होते हैं अनुसार तथा विसर हिंदी में प्रयुक्त नहीं होते व्यंजन दो प्रकार के होते हैं हस और दीर्घ तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पे हम सही की बात करें तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए स्वर का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है जबकि यहाँ पे व्यंजन की बात की जा रही है फ्रेंड व्यंजन दो प्रकार के नहीं होते स्वर दो प्रकार के होते हैं हस्व हंसवर तीर्थ अनुसार विसर्ग हिंदी में प्रयुक्त नहीं होते ऐसा नहीं है हिंदी में ये प्रयुक्त होते हैं और बी ऑप्शन में बोल रहा है कि व्यंजन हमेशा स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं ऐसा नहीं होता व्यंजन कभी भी स्वतंत्र रूप से नहीं आते इसको बोलने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है स्वर की ठीक है तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है नेक्स्ट आते हैं इनमें से उष्म ध्वनि कौन नहीं है शा, शा, सा और तो फ्रेंड्स अगर हम ध्वनि की यहाँ पर बात करें तो छा जो है झा से जो झरना है ये हमारा ध्वनि नहीं है ठीक है तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी राइट आंसर होगा नेक्स्ट है अनुतान का संबंध होता है उच्चारण के समय से उच्चारण के उतार चढ़ाव से उच्चारण में निकली वायु से या फिर उच्चारण के कंपन से तो फ्रेंड्स अगर बात करें तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उच्चारण के उताव चराव से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं निम्न में से कौन सही है अल्प प्राण में मुख से वायु की कम मात्रा निकलती है महाप्राण में मुख से वायु की कम मात्रा निकलती है अल्प प्राण में खास स्वर पर बल पड़ता है या फिर महाप्राण में शब्द के प्रथम स्वर पर बल पड़ता है तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर राइट की बात करें तो राइट होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए अल्प प्राण में मुख से की कम मात्रा निकलती है तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है नेक्स्ट है निम्न में से कौन महाप्राण नहीं है श स, ख, और पा तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है पा नेक्स्ट है निम्न में से कौन एक अल्प प्राण ध्वनि है का घ और ढा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका ऑप्शन ए राइट आंसर है जो कि है का नेक्स्ट आते हैं निम्न में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है आगामी 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 या फिर आगमी। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी राइट आंसर है आगामी को हम इस तरह से लिखते हैं नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है आक्रमक आक्रामक आक्रामक अक्राम तो फ्रेंड्स ऑप्शन यहाँ पे जो हम राइट right की बात करें तो बी आपका राइट right आंसर है अक्रामक नेक्स्ट है निम्न में से किस युग को अर्धस्वर कहा जाता है या और वा या और रा ता और फा या गा और घा तो फ्रेंड्स अगर राइट right बात की जाए तो ऑप्शन ए आपका राइट right आंसर है या और वा नेक्स्ट है कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है पा ना मा और बा तो ओष्टे की बात की जाए तो फ्रेंड्स राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ना ना हमारा ओस्ट है नहीं है ये ओस्ट से नहीं बोला जाता नेक्स्ट है निम्न में से कौन असत्य है ता है व्यंजन है उष्म व्यंजन है फा ओस्ट है व्यंजन है या फिर छ संयुक्त तो व्यंजन है तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो ऑप्शन ए है वो राइट right आंसर है ता हमारा फ्रेंड्स ओष्ठ व्यंजन नहीं है ता हमारा होता है दंत व्यंजन ये दंत से उच्चारित किया जाता है तो ऑप्शन ए राइट आंसर है नेक्स्ट है चा वर्ग है तालव्य दंते ओष्ठ है या दंतोष्ठ है तो फ्रेंड्स आपको बताना है कि चाह हमारा जो वर्ग है वो कौन सा है तो फ्रेंड्स आपने अगर कल की वीडियो देखी तो आपको पता होगा चा वर्ग है हमारा ऑप्शन नंबर ए तालव्य नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड्स आज की ये वीडियो यही रखेंगे हम इसके नेक्स्ट जो रिमेनिंग क्वेश्चन कल डिस्कस करेंगे निम्न में से कौन सा पार्श्विक वर्ण है या, र, ला, या हुआ तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पे बात करें पार्श्विक वर्ण की तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट right आंसर है पार्श्विक सिर्फ एक वर्ड होता है जो की हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर अगर हम यहाँ पे बात करें तो सी की तो सी हमारा यहाँ पे राइट right आंसर है ला नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन उपित व्यंजन है भामा, या या फिर वा मा तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पे उत्पित की बात करें तो फ्रेंड्स वर्ण हमारा कहलाता है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी डा और डा क्या को वर्णमाला में माना जाता है तो हमें बताना है ग्या को वर्णमाला में क्या माना जाता है संयुक्त व्यंजन द्विगुण व्यंजन स्वर तथा व्यंजन तो फ्रेंड जैसे मैंने आपको बताया था ज्ञा जो है हमारा ये दो शब्दों से मिलकर बना है ये बना है ज प्लस क्या इनसे मिलकर बना है इसलिए इनको संयुक्त व्यंजन बोलते हैं तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पर हमें क्या करना है मैचिंग करनी है तो देखिए यहाँ पर आपको सामने दिए हुए हैं बताना है आपको इसके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर ठीक होगा जैसे दंतय के सामने क्या दे रखा है का तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन नंबर बी देखते हैं फर्स्ट दंतय ता है और अगर हम बात करें मूर्धा की तो मूर्धा के लिए टा आता ता है तालु की बात करें तो तालु के लिए जो हमारा शब्द होगा सॉरी मूर्धा के लिए जो होता है हमारा ता टा ता है तालू हमारा चा से बोला जाता है और जो कंठ से बोला जाता है वो है हमारा का तो ये हमारा है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब इसमें क्या करना है हमें छा का निर्माण किन दो वर्णों अथवा व्यंजन के मेल से हुआ है, वो बताना है। तो फ्रेंड्स है वो हमारा का और शाह से मिल बना है तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है नेक्स्ट आते हैं हमें यहाँ पर बताना है अंतस्थ वर्ण नहीं है कौन सा अंतस्थ वर्ण नहीं है य ल व तो फ्रेंड्स ये जो वाह है ये हमारा यहाँ पे अंतस्थ वर्ण नहीं है वाह वक होता है लेकिन यहाँ पे वाह बकरी दे रखा है तो ऑप्शन बी राइट आंसर है नेक्स्ट uh, है वर्णमाला में किस स्पर्श संघर्षी भी कहा जाता है स्पर्श संघर्षी किसे कहते हैं का को टावर को चावर को या पावर को तो फ्रेंड चावक जो होता है वो हमारा स्पर्श संघर्षी कहलाता है तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है नेक्स्ट आते हैं निम्न में से कौन व्यंजन वर्ण दंते नहीं है ता दा धा और द तो फ्रेंड्स ता वाली पूरी लाइन हमारी दंते कहलाती है लेकिन ता वाली लाइन में हमारा फा नहीं आता है तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है नेक्स्ट है निम्न में से कौन स्पर्श व्यंजन नहीं है का चा पा या, या? तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर बात करें स्पर्श व्यंजन नहीं है तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर है या हमारा स्पर्श व्यंजन नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं निम्न में से कौन संयुक्त तो 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 स्वर का उदाहरण नहीं है ए ए ओ आ तो फ्रेंड्स जो हमारा संयुक्त स्वर का उदाहरण नहीं है वो है हमारा आ तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है नेक्स्ट है विसर्ग का प्रयोग किस शब्दों में होता है तत्सम तद्भव देशज या फिर विदेशज तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें बताना है विसर्ग का किस में प्रयोग होता है तो वो होता है हमारा तत्सम में तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है नेक्स्ट आते हैं निम्न में से किस शब्द में शुद्ध मात्रा प्रयुक्त हुई है रेणु 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 और रेणु तो फ्रेंड्स रेणु हमारा में छोटी की मात्रा नहीं आती है रेणु नहीं लिखा जाता रेणु नहीं आता तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट है किस स्वर का कोई मात्रा चिन्ह नहीं है आ, आ ए, ओ। तो फ्रेंड्स अगर हम मात्रा चिन्ह की बात करें तो आर में कोई भी मात्रा, आ में कोई भी मात्रा चिन्ह नहीं आती है तो ऑप्शन ए हमारा राइट right आंसर है नेक्स्ट आते हैं निम्न में से कौन अघोष वर्ण नहीं है का टा शा और ला तो फ्रेंड जो हमारा अघोष वर्ण नहीं है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी ला नेक्स्ट है निम्न में से कौन सघोष वर्ण नहीं है य हा तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पे बात करें सघोष वर्ण की तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा युग्म कंठ तालव्य है ए आई छ या व या ता था तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम बात करें कंठ तालव्य की तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है ए और आई नेक्स्ट आते हैं औ का उच्चारण स्थान हमें बताना है औ का क्या है कंठोष्ठ है दंतोष्ठ है दंते या फिर तालब्य तो फ्रेंड्स औ जो आ, हम है इसका जो चरण स्थान होता है वो होता है हमारा कंठोष्ठ है तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है नेक्स्ट है शाह का उच्चारण स्थान क्या है मूर्धन्य दंते तालव्य या फिर कंठ है तो फ्रेंड शाह का जो उच्चारण स्थान होता है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए मूर्धन्य नेक्स्ट आते हैं शाह का उच्चारण स्थान बताना है तालव्य मूर्धन्य कंठे या दंते तो फ्रेंड्स शाह का जो उच्चारण स्थान होता है वो है हमारा तालव्य नेक्स्ट है निम्न में से कौन स्पर्श संघर्षी है का च ह और जा तो फ्रेंड चाह के जो जितने भी वर्ण होते हैं च छ ये हमारे स्पर्श संघर्षी कहलाते हैं तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है फ्रेंड्स अगर आपने ट्वेंटी डे सीरीज नहीं देखी है जो कि हमने पर्टिकुलर इसी के ऊपर बनाई थी तो जरूर देख लीजिएगा क्योंकि हमने वो सारे यहाँ पे ब्रीफ में डिस्कस किया है पूरा कि क्या किसके थ्रू बोले जाते हैं वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो आप वीडियो देख लेंगे तो ये आप इजिली कर सकते हैं नेक्स्ट है ई का उच्चारण स्थान क्या है तालव्य कंठ है दंत है है या फिर ओष्ठ तो फ्रेंड्स ई का जो उच्चारण स्थान होता है वो होता है हमारा तालव्य तो ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है नेक्स्ट है फाका उच्चारण स्थान क्या है कंठ तालु ओष्ठ या दंत है तो फ्रेंड्स फा का जो उच्चारण स्थान है वो है ओष्ठ तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है नेक्स्ट आते हैं धाका यहाँ पे हमें उच्चारण स्थान बताना है धाका उच्चारण स्थान क्या होता है कंठ तालु ओष्ठ या दंत है तो फ्रेंड धा का जो उच्चारण स्थान है वो है हमारा दंत है तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है आपको पता होगा ता था द धा ये हमारे दंत से बोले जाते हैं ठीक है तो ये धा हमारा ता वाले वर्ग में आता है इसलिए यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा डी नेक्स्ट है प्रयत्न के आधार पर रा व्यंजन की किस कोटि में आता है प्रकंपित संघर्षी स्पर्श या अर्ध स्वर तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें रा की तो ये आता है हमारा प्रकंपित में तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है नेक्स्ट है निम्न में से कौन उष्म वर्ण नहीं है श सा सा और रा तो फ्रेंड्स उष्म वर्ण की बात करें तो रा हमारा उष्म वर्ण नहीं है उष्म वर्ण होता है श श श ह नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वर्ण का उच्चारण तालु से नहीं होता से झासे या का से तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर बात करें जिसका उच्चारण तालू से नहीं होता है तो यहाँ पर का हमारा आएगा जो कि हमारा कालू तालू से ना होकर कंठ से होता है तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है नेक्स्ट आते हैं टा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है मूर्धा तालु कंठ या ओष्ठ तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम बात करें टा वर्ग की तो फ्रेंड्स जो टा वर्ग होता है वो हमारा मूर्धा से बोला जाता है तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर है नेक्स्ट है किस वर्ण को स्पर्श संघर्षी नहीं माना जाता चाको झाको जाको और फाको तो फ्रेंड्स स्पर्श संघर्षी की बात करें तो फा हमारा स्पर्श संघर्षी नहीं माना जाता जैसे मैंने आपको बताया चा वर्ग हमारा चा वर्ग जो होता है वो हमारा स्पर्श संघर्ष कहलाता है और फा हमारा चा वर्ग में नहीं आता है तो ऑप्शन डी राइट आंसर है नेक्स्ट है किन वर्णों का अर्ध स्वर कहा जाता है लारा या वा फिर जा तो फ्रेंड्स या और व जो होते हैं वो हमारे अर्ध स्वर कहलाते हैं ठीक है नेक्स्ट है निम्न में से कौन अंतस्थ व्यंजन सुवर्ण का उदाहरण नहीं है या, र, ल, और वा तो फ्रेंड्स अगर हम अंतस्थ व्यंजन वर्ण की बात करें तो शाह हमारा अंतस्थ व्यंजन वर्ण नहीं है तो राइट आंसर होगा डी फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा ब्रीफ में बता देती हूँ ये हमारे का वर्ग जो होते हैं का वर्ग के वो हमारे कंठ से बोले जाते हैं चा वर्ग जो होता है ये हमारा तालू से बोला जाता है वर्ग जो होता है मूर्धा से बोला जाता है वर्ग होता है हमारा वो दंत से बोला जाता है और पावर्ग जो होता है वो हमारा ओष्ट से बोला जाता है अब आपको ये पता होगा का वर्ग में क्या क्या आता है चावर्ग टावर्ग तो का वर्ग में सारे वर्ण आ जाएंगे का वाले जैसे का ख चा में आ जाएगा च छ झा में आ जाएगा टा ठ ढ ता में आएगा त थ द पा वर्ग में आ जाएगा हमारा पा फ बा मा तो ये क्या कहलाते हैं ये हमारे इसके थ्रू हमें पता लग सकता है इजिली किससे क्या क्या बोला जाता है और वहीं अगर हम ऊष्म व्यंजन की बात करें एक आता है क्वेश्चन ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं तो ऊष्म व्यंजन होते हैं हमारे श श श और हा ये हमारे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं अंतस्थ व्यंजन जो है जैसे कि इस क्वेश्चन में भी अंतस्थ व्यंजन तो ये हमारे चार ही होते हैं य र ल और वास वक ये हमारे चार व्यंजन वर्ण जो होते हैं ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं तो आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर होंगे और एक बार आप ट्वेंटी डे सीरीज की हमारी वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा उसमें हमने क्लियरली ये सब डिफाइन किया है तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए अपने फ्रेंड्स के यहाँ शेयर कीजिए और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो या सजेशन देना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलते हैं और भी अच्छी वीडियोस के साथ तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स